बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। फिल्मों में न सिर्फ एक्टर्स की फीस बल्कि उनके कॉस्ट्यूम पर भी भारी भरकम खर्च किया जाता है। इन दिनों प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधे श्याम चर्चा में है। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है, जिनमें से 6 करोड़ रुपए सिर्फ प्रभास की कॉस्ट्यूम में लगाए गए हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं बॉलीवुड के ऐसे स्टार्स के बारे में जो फिल्मों में कीमती और महंगे कपड़े पहनने के चलते सुर्खियों में रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दीपिका पादुकोण का और फिल्म है पद्मावत। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में सेट और कॉस्ट्यूम का खासा ध्यान रखा जाता है। 160 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बनी इस फिल्म में दीपिका ने एक से बढ़कर एक लहंगे पहने थे। फिल्म के गाने घूमर के लिए जो लहंगा दीपिका पादुकोण ने पहना था उसकी अकेले की कीमत 30 लाख रुपए थी। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस के लहंगे का वजन 30 किलो था, जिसे पहनकर उन्होंने मुश्किल से डांस स्टेप्स भी किए थे। इस लहंगे को तैयार होने में 600 दिन लगे थे। 200 क्राफ्ट्समैन ने इसे गोल्ड से तैयार किया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम है माधुरी दीक्षित का और फिल्म है देवदास। देवदास फिल्म में माधुरी का लहंगा भी खूब चर्चा में रहा था। चंद्रमुखी का किरदार निभाने वाली माधुरी दीक्षित के कपड़ों पर मेकर्स ने बहुत खर्चे किए थे। ये फिल्म अब तक की सबसे महंगी कॉस्ट्यूम वाली फिल्मों में शुमार है। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में माधुरी द्वारा पहने गए कई कपड़ों में 15-15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जी हाँ, मार डाला गाने में दिखाए गए माधुरी के लहंगे की कीमत 15 लाख से भी ज्यादा थी। अब इस लिस्ट में अगला नाम है रजनीकांत का और फिल्म है रोबोट। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने रोबोट फिल्म में मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ 3 करोड़ रुपए की रोबोट की ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस की खासियत ये थी कि ये देखने में तो काफी भारी भरकम नजर आती है, लेकिन असल में ये बेहद हल्की है। फिल्म में रजनीकांत ने प्रोफेसर और रोबोट चिट्टी के दो किरदार निभाए थे। अगली एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय और फिल्म है जोधा अकबर। ब्लॉकबस्टर फिल्म जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय ने जोधा बाई का रोल प्ले किया था और फिल्म में उनका लुक देखने लायक था। आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि उनके हर एक ड्रेस के लिए मेकर्स ने 2 लाख रुपए खर्च किए थे। फिल्म है सिंग इज ब्लिंग। फिल्म सिंग इज ब्लिंग में अक्षय कुमार ने सरदार की भूमिका निभाई थी। गाने के टाइटल सॉन्ग में अक्षय ने जो गोल्ड पगड़ी पहनी है उसकी कीमत 65 लाख रुपए थी। ये अब तक की बॉलीवुड की सबसे महंगी पगड़ी थी। इस लिस्ट में अगला नाम है कंगना रनौत का और फिल्म है क्रिश 3। फिल्म क्रिश 3 में कंगना रनौत ने सुपर विलन का रोल प्ले किया था और उनके लुक को खूब तारीफें मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगना के 10 अलग कॉस्ट्यूम पर मेकर्स को 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। उनके कपड़े गेविन मिगल ने डिजाइन किए थे। इस लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का और फिल्म है बाजीराव मस्तानी। हिट फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण की खूबसूरती ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। मस्तानी के रोल को परफेक्ट बनाने के लिए संजय लीला भंसाली ने एक लुक पर 50 लाख रुपए खर्च किए थे। अब अगली एक्ट्रेस हैं सोनाक्षी सिन्हा और फिल्म है तेवर। तेवर में सोनाक्षी सिन्हा राधा नाचे की गाने में नजर आई। इस गाने में उनकी ड्रेस तैयार करने के लिए 75 लाख रुपए लगाए गए थे। इस गाने को रेमो डिसूजा ने कोरियोग्राफ किया था। अब इस लिस्ट में आखिरी एक्टर है विवेक ओबेरॉय और फिल्म है प्रिंस। कुकी वी गुलाटी के निर्देशन में बनी फिल्म प्रिंस में विवेक ओबेरॉय की स्पेशल सूट को बनाने में मेकर्स ने 30 लाख रुपए खर्च किए थे। इस फिल्म का टोटल बजट 35 करोड़ रुपए था। वेल, तो ये थे कुछ ऐसे एक्टर्स जो महंगे कॉस्ट्यूम्स के लिए सुर्खियों में बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कौन से एक्टर का लुक आपको सबसे बेस्ट लगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।